Mandi.com में हमने आज तक आपको कई ऐसी कहानियां दिखाई हैं जिनमें एपीएमसी मंडियां अपने यहाँ विशेष व्यवस्था करके किसानों को बेहतर भाव दिला रही हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों की कुछ खास कहानी ढूंढने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं गुलबर्गा से करीब 70 किलोमीटर दूर इस गांव में, जहाँ एक एफपीओ ने बिल्कुल ही एक नया मॉडल विकसित करते हुए मंडी को ही इस गाँव में उतार दिया है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी करीब 3 साल पहले, जब भारत सरकार के तहत काम करने वाली संस्था लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC ने कर्नाटक में गुलबर्गा के आसपास के किसानों की उपज उनके गांव से ही खरीदने का फैसला किया और इसके लिए वृत्ति नाम के एक बेंगलुरु बेस्ड NGO को जिम्मेदारी दे दी गई। इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ किसान उत्पादक संगठन यानी FPO तैयार किए गए। FPO ने गांव में ही कलेक्शन सेंटर लगाया और किसानों का माल खरीदना शुरू कर दिया। नमदू शैंपल तक किसी शैंपल नोड़ता शैंपल नोड़े वेट अदू कचरा तेतर अद किशन काटा गिटा मिशन बंदी मुंह अद अद्क रेस्ट एंट्री मू नम पानी हिशन नम्बर वेर दिन बिट किशन नम्बरदा पेमेंट। माल की खरीद अच्छे से हो सके इसका सबसे आसान तरीका समझ में आया कि स्थानीय किसान ही खरीदारी का जरिया बने। फिर क्या था, इन्हीं किसानों को FPO ने अपने बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस देने वाले के तौर पर जोड़ लिया। इससे किसान खुद की फसल तो लाते ही थे, दूसरे किसानों की उपज भी FPO तक आने में आसानी होने लगी। जब उपज इकट्ठा हो गई तो इसे आसानी से बेचने की जिम्मेदारी कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड को दे दी गई। किसानों को कमोडिटी एक्सचेंज से हासिल हाजिर भाव और कुछ दूसरी मंडियों में चल रहे भाव के आधार पर अगले दिन की खरीद कीमत ऑफर की जाने लगी और उसी आधार पर खरीदारी शुरू हो गई। पहले सर नमगे फोन मारते और मार्केट रेट ऐन अब नम तस मेले नाते फार्मर एलो रईतर हेतव रि फोन हचि आ रईत भी भेटी आते ना और भेटियादा पैले ना पैले MSP SFAC MSP नमेले भरोसा इधर आ भरोसा कारण ना साकु और नमल माल तक बर्तार तगरी अली ऐने सनफ्लवर ये ना मार्केटिंग NCDX जोते और नेर नमल तंदर रि अद्रदेन नम तर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हमको जो है ना जो भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जैसे NCDX है जैसे SFAC है उनका जो है ना रेट देने जो भी है ना बेस है एक रेट गुलबर्गा मार्केट में रोजाना मार्केट का रेट भी आता है हम देखते रहते हैं और दूसरा बात है कि जो भी बायर है उनका एक रेट जो है ना उन्होंने प्रपोज करते हैं आज का रेट ये है वो तो वो रेट जो मुझे जो है ना उन्होंने SMS या WhatsApp के ज़रिए जो है ना मुझे भेजते हैं। मैं क्या करता हूँ हमारे जो है ना जो भी सेंटर्स हैं FPO के उसके जो है ना प्रोक्योरमेंट सेंटर के इंचार्ज रहते हैं उनको मैं मैसेज भेज देता हूँ। वो लोग क्या कर देते हैं उनके पास जो भी मैसेज आता है और हमारे लोग जो है ना ये FPO के डायरेक्टर्स बोलते हैं वो डायरेक्टर्स गाँव में डायरेक्टर्स हैं जो FPO के जो क्लस्टर के नीचे वो लोगों तक जो है ना वो लोग फिर जो है ना मैसेजेस भेज देते हैं। इसके अलावा जो भी है और रेगुलरली जो भी कॉल करते हैं फिर अलग अलग लोग जो भी जो है ना कांटेक्ट करते हैं उनसे वो जो है ना कंटिन्यूसली जो भी लीड फार्मर्स हैं जैसे डायरेक्टर हैं और लीड फार्मर्स भी मिलते हैं वो लोगों को भी मैसेज भेज देते हैं कि कल जो है ना ये रेट से ख़रीदा जाएगा कल के लिए आज जो है ना रेट तय हो जाता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है गाँव में आज रेट डिक्लेयर करने के बाद आज का आज ही नहीं आता कल के लिए ही हमने जो है ना आज का रेट आज जो रेट कोट होता है वो रेट कल के लिए रखते हैं कल शाम तक वो जो है ना कल शाम के बाद फिर दूसरे दिन जो रेट आता है वो चलते रहता है। वो लोग जो भी देखते हैं रेट ठीक है ये रेट जो है ना दिया है तो ये रेट ठीक है या नहीं वो लोग 3-4 एरिया से देखते हैं वो भी वो लोगों को हमने रजिस्टर भी करवाया है। जाहिर है कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए बड़ा बाजार मिलने से यहाँ उपज बेचने वाले किसानों को ज्यादा कीमत मिलने लगी। साथ ही किसानों को फायदे में देखकर धीरे धीरे दूसरे किसान भी इस प्रक्रिया से जुड़ते चले गए। कानवा बनता गया। पहले 2 सालों यानी 2013 और 2014 में जब दालों की कीमत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चली आई
तो SFAC ने सीधे किसानों का माल खरीद कर उन्हें MSP का भुगतान कर दिया। और जब पिछले साल दालों की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो FPO ने बाजार भाव के लिहाज से खरीदी की और किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दे दिए। हम तो माल यहाँ दापर डालते हैं, डाले बाद में उन्हें बोलते हैं 8 दिन में पैसे मिलता है, वो ही एक बार हमारे को रसीद देते हैं, रसीद बारे में हम देखते हैं कितना कुंटल हमारा हुआ है और कितना पैसे हो गए हैं, वो देख के ना हम घर को जाते हैं, बाद में है ना 8 दिन के बाद पैसे हमारे अकाउंट पे आ जाता है, हम बैंक में जाकर चेक करते हैं, चेक करे बाद में इतना पैसे आ गए। अब यहाँ पर आपको पूछते हैं ये हमारा इतना अकाउंट में पैसे हमारा काटा हो गया, इतना पैसे हुआ था, इतना पैसे आ गए हमारा, बल को बोल दिया तो हम अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। और ये दाले में क्या होता है, वहाँ पर अड़त को दाले सो पैसे में इसमें पैसे में बहुत फर्क होता है, क्यों बोले तो अड़त को दाले तो वहाँ पर टैक्स और जाने आने खर्चा ये सब मिला निकाल दिया तो हमको पैसे वो इससे ज़्यादा मिलता है, और जो वो पैसे हम यहाँ का काम करे सो यहाँ माल डाले तो हमको सबसे अच्छा है। यहाँ पर किसानों को होने वाले भुगतान को कम से कम जटिल बनाने और खरीदी से भुगतान के बीच का समय और भी कम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें किसान को अपना माल चेक करवाने और तुलवाने के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के समय ही एक बार उसका सारा बैंक विवरण ले लिया जाता है और इसके बाद हर सीजन में उसके पंजीकरण नंबर के लिहाज से ही उसे अपने माल का भाव खुद ब खुद बैंक खाते में मिल जाता है। इस व्यवस्था ने एक ओर जहां पूरी प्रक्रिया में किसानों का भरोसा मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के वित्तीय समावेशन के अभियान को और भी मजबूत कर दिया है। ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ವೇರ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ NCDX ಥ್ರೂ ಮೂಲಕ ನಾನು SFAC ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಅವರು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್. ಕಿಸಾನ್ಗೆ ಖಾತೆಮೇ ಆಸಾನಿ ಸೇ ರಕಮ್ ಆ ಜಾಯೆ ಇಸ್ಸೇ ಬೆಹತರ್ ಭಲಾ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसानों को एक तय तरीके से तैयार किया जाता है।